सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, तो ये रही अपनी एडवेंचर 390। इसको चलाएंगे अपने दिव्यांशु भाई, और दिव्यांशु भाई ने ली है नई HD एडवेंचर, अभी तक नंबर भी नहीं पड़ा है। तो लेट्स सी, अब आप देखोगे KTM ADV 390 ओनर ड्राइविंग HD एडवेंचर 390 फॉर HD एडवेंचर 350 आई थिंक फॉर फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने हिमालयन भी ऑन की हुई है और फुल्ली लोडेड ऐसी ही ऑन की हुई है मैंने हिमालयन, तो मेरे से अच्छा रिव्यू इसका कोई भी नहीं दे सकता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा इसको चला के कि कैसा फील आता है, और इसके बाद कैसा आता है, और हिमालयन के बाद कैसा आता है। तो ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। इसका कंसोल बहुत ही प्यारा है गाइस, क्योंकि हिमालयन में आपको पता ही है सुई वाला कंसोल मिलता है, ट्रेडिशनल कंसोल। अब वहाँ पे जो ट्रिपल नेविगेशन भी आ गया है, इसमें भी शायद ब्लूटूथ का आ रहा है, तो इसमें है। और KTM एडवेंचर 390 में तो बहुत ही एडवांस मिलता है। वो पावर फील अच्छी है यार इसकी। नाइस 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 नाइस। अभी मैं एक बार ऑफ रोड ट्राई करके बताता हूँ आपको। यहाँ से ऑफ रोड पैच स्टार्ट है, तो लेट्स ट्राई ऑफ रोड सेडलिंग करके देखते हैं डाउन हिल में। ओ परफेक्ट, अच्छी सेडलिंग हो रही है। इसका मैं हाईवे पे एक बार थ्रॉटल कंट्रोल चेक करूंगा। वो ABS तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ABS इसमें। तो भाई अभी एडवेंचर 390 की राइड कर रहे हैं, भाई से पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है, फील आ रही है। HD की यार इतनी स्मूथ बाइक बना दी है इन्होंने, और फर्स्ट टाइम में ही। हिमालयन कितनी साल पहले लॉन्च हुआ है, तो उसको रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है कंपनी को, और HD पहले ही लॉन्च में इतनी स्मूथ बाइक दे रहा है। लेट्स ट्राई। ओ भाई ऑफ रोड फील बहुत ही तगड़ा है, जिस हिसाब से लाइटें बनाई है इन्होंने, तो उस हिसाब से फील तो अल्टीमेट है इसका गाइस, अल्टीमेट फील है। तो जिस हिसाब से इन्होंने ये बना रखी है, बहुत ही तगड़ा चुम्बेश्वरी फील है गाइस इसका, क्योंकि जो मैं अभी पीछे ऑफ रोड किया उतनी स्मूथ फीलिंग मेरे को ADV पे नहीं आती, क्योंकि ADV की पावर तो बहुत ज़्यादा है और ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, सेमी ऑफ रोड भी बहुत ही सही, और ऑफ रोड टायर हो तो ऑफ रोड पे बढ़िया करेगी, पर उसमें थोड़ा सा जंप फील होता है, इसमें वो वाला जंप मेरे को फील नहीं हुआ। दिव्यांशु भाई चले गए आगे। हाँ ये है कि देखो, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने हिमालयन भी ऑन की है, 390 एडवेंचर में ऑन कर रहा हूँ करंटली, और इसको मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो किसी को लगे कंपैरिजन है ADV और इसका, ADV 390 और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हिमालयन के साथ है, तीनों अपने अपनी रेंज में बेस्ट बाइक्स हैं, पर जो फील है ना सबका अलग अलग है। पावर थ्रॉटल परफेक्ट। अब ब्रेकिंग चेक करते हैं इसकी, अभी ब्रेक टेस्ट करूंगा, अभी आगे ट्रैफिक है तो यहाँ ब्रेकिंग करके देखते हैं क्या ब्रेक हमें देती है। वो बहुत ही अच्छी ब्रेक कर दी है, और इंजन ब्रेकिंग साथ में काम कर रही है गाइस। तो इंजन ब्रेकिंग का मतलब समझ रहे हो, जो कि एडवेंचर 390 में भी ये फीचर है। अब थोड़ा ऑफ रोड ले लेते हैं रोड से बाहर, भाई यार अल्टीमेट अल्टीमेट, दिल खुश हो गया यार इसको चला के। अब मैंने हिमालयन भी चलाई है, अब मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, पर भाई देखो हिमालयन का अपना एक नाम बन चुका है, नाम बनना अलग बात होती है, और ऑन रोड जो फील आती है वो अपनी एक अलग ही फील होती है। तो मैं बता दूं, इसकी जो ब्रेकिंग फील है ना हिमालयन से अच्छी है, क्योंकि इसमें इंजन ब्रेकिंग भी दे रखी है। तो मेरे को जो लगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो इसकी जो ब्रेकिंग है ना हिमालयन से अच्छी है, ग्रेंटेड।
वाह, और इसमें ना वाइब्रेशंस नहीं है। आपने हिमालयन में देखा होगा ये चीज हिलती है। हिमालयन अच्छी बाइक है, नो डाउट ऑफ रोडर बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है, पर वो वाइब्रेशन देती है। और जो मेरा मीटर था उसका, वो पूरा उड़ गया था और वारंटी में नया आना था। उससे पहले मैं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को हिमालयन चेंज करना ही पड़ी। तो अभी दिवंशु भाई कहाँ रह गए देखते हैं, पीछे रह गए शायद, तो लेट्स सी, साइड में कर देते हैं। रुक जाता हूँ एक बार। ये जो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी काम की चीज़ होती है यार। चार्जिंग पोर्ट दे रखा है इधर, ये देखो टाइप सी वाला भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इस रेंज की बाइक में ये फीचर बहुत कम बाइक्स में मिलता है आपको, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो आगे, वो भी शायद उधर चले गए थे, दिवंशु भी, मेरे को समझ ही नहीं आया। या तो वो हो सकता है आगे निकल गए हो, क्योंकि 390 जब भागती है ना, पता नहीं लगता, मुझे नहीं पता साइड से निकली या नहीं, पर मैं एक बार पीछे देख के आऊँगा, चेक करके आते हैं। तो वैसे जब पैनियर्स ऑन होते हैं ना, ट्रैफिक में आपको दिक्कत आ सकती है, पैनियर्स का आप ध्यान रखें। और मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं आ रही, मैंने हिमालयन चला रखी है फुल्ली लोडेड जेरी कैंस के साथ, मेरे पास पैनियर्स थे, पूरा सेट था, सब कुछ मॉडिफाइड था। तो यार वो कहाँ रह गए मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। तो दिवांशु भाई को कोई काम पड़ गया था। अभी इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं विद पैनियर्स। हिमालयन की तरह 120 के ऊपर मुझे लगता है आप कंट्रोल में कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये ADB की खास बात है, वो 150 तक मतलब कंट्रोल में रहती है, 140-150, उसमें ऑब्वियसली पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड लिमिट तक वो अच्छी कंट्रोल में रहेगी। और उसकी ब्रेकिंग वगैरह, पूरा इंजन ब्रेकिंग सब चीज़ें उस हिसाब से दे रखी है। जो जिसको नहीं पसंद है कंपैरिजन, भाई ना देखे प्लीज़, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहें तो ज़रूर देखें, ना लेना चाहें आपकी मर्जी। और टायर तो हिमालयन वाले ही हैं, तो ग्रिप में तो कोई फील, वही सेम फील आएगा दोनों में, HD में भी, इसमें भी वही फील आएगा। और अपने ADB में तो मैट जेलर्स मिल जाते हैं, तो उसके तो कहने क्या, रोड पे तो उसका जवाब ही नहीं है। हाँ वो ऑफ रोड टायर बिल्कुल भी मुझे नहीं लगते भाई वो ऑफ रोड हैं, क्योंकि मैंने ऑफ रोड जब ट्राई किया तो उसके लिए मुझे लगता है जो रैली टायर है ना वो KTM में लगे तब वो ऑफ रोड का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। वरना ये है कि सेमी ऑफ रोड ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ला, देखो इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है अच्छे से, खुश स्पीड कम हो रही है बाइक की। हाँ ADB जितनी नहीं है पर है, फील है यार, फील है। वो हिमालयन हो, HD हो, या एडवेंचर 250-390 कोई भी हो भाई, फील तो फील होता है। और एडवेंचर बाइक का फील भाई यही बाइक्स दे सकती हैं, कोई भी ले लो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। पर इसमें जो फर्स्ट टाइम लॉन्च में जो रिफाइनमेंट प्रोवाइड की है कंपनी ने, और जावा कंपनी ने, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, दिल से तारीफ़ करता हूँ भाई। हिमालयन जब लॉन्च हुई थी 2016 से शुरू, मुझे लगता है 2016 के आसपास जो लॉन्च हो गई थी, तब से उसका सफ़र शुरू हुआ है। और हो सकता है 14 में भी लॉन्च हो गई हो, पर बहुत पहले का उसका सफ़र है। और 2022 तक वो थोड़ी रिफाइन हुई है, अब जो BS6 वगैरह इंजन आए हैं। और इसकी जो रिफाइनमेंट है फर्स्ट टाइम में यार, धासु, ओ माय गुडनेस, सो मी गो, वेरी गुड, मजेदार।
और मैं अपनी ADV 390 में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो है पैनियर्स। और पैनियर्स का ये हमेशा ध्यान रखे कि जब भी आपका क्रैश होगा तो पैनियर्स बचने वाले नहीं है, या तो इंश्योरेंस साथ में ही करवा लें, क्योंकि एक्सेसरी का इंश्योरेंस हो जाता है जब आप गाड़ी लेते हो। मैंने करवा रखा है ADV 390 में, जो भी मेरे एक्सेसरीज हैं इस टाइम तक उसका करवा रखा है। अब पैनियर्स का लेट सी, अगर इंश्योरेंस होगा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तभी मैं उसको पैनियर्स लूँगा, वरना मैं पैनियर्स नहीं लेने वाला। मेरे पास सॉफ्ट लगेज है, बढ़िया राइनॉक्स के बैग्स हैं। हो फील यार, फील। इसमें हाँ, मैंने ADV में क्या है कि हैंडल बार राइजर्स भी लगा रखे हैं, तो उससे तो फील अल्टीमेट हो ही जाती है। अब इसमें और हिमालयन की जो ये हैंडल बार है ऑलमोस्ट मेरे को सेम ही लगे। वो तो आपके हाइट के हिसाब से, अगर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है आपकी हाइट तभी ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखो हिमालयन जा रही है लोड होके, ये रही हिमालयन, राइनॉक्स के सैडल बैग्स थे इसके पास भी। तो अपना अपना फील है, इंजॉय करो यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और फैला देना है, फैला क्या करना है, फैला देना है। हाँ।